पिकनिक बचपन में शौक होता था कि छुट्टियां हों और पिकनिक पे जाएं। सारा रास्ता सोचते हुए जाते थे कि ये करेंगे, स्विमिंग करेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे। लेकिन अब पिकनिक का मकसद रह गया है कि रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब के लिए ये बनाएंगे। पिकनिक की बात ही और होती है ना, खूबसूरत सी जगहें, और अगर नाइट स्टे है तो फिर मज़ा ही आ जाता है। हम लोग भी गए पिकनिक पे और देखें कितनी खूबसूरत जगह है और खूब सारा एंजॉय, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज बन जाती हैं जो बहुत बहुत अरसे तक याद रहती हैं। और स्पेशली जब स्विमिंग पूल में जाने का टाइम हुए तब तो सारी तमीज़ें जो है ना वो पीछे रह जाती हैं। और ये देखिए असल पिकनिक तो बच्चों की होती है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, खुश भी होते हैं, और कितना शौक़ होता है ना बच्चों को वीडियो पिक्चर्स बनाने का। हाय, हमारे बचपन में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन थैंक गॉड के अब हैं। और आपको कैसा लगा ये पिकनिक पॉइंट हमारा, और मज़ा आ रहा है ना देख के ही? तो सोचे नाइट स्टे करने में और वहाँ पर गेम्स खेलने में, खाने पीने में और अंताक्षरी खेलने में कितना मज़ा आया होगा। तो मेरे ख्याल में साल में एक बार तो पूरी फैमिली के साथ इस तरह की पिकनिक बनती है, और स्पेशली जब समर वेकेशन हो तो मेरे ख्याल में तब तो 100% बनता है। जिस तरह हमने एंजॉय किया, आप भी कहीं जाइए, एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं कमेंट्स में वेट करूंगी आपकी बात का कि आपको कौन सी पिकनिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।